ये देखो वो सही टेक्नोलॉजी है, देखो पूरा पानी साफ कर रही है। किस्मत देखो भाई, जेट प्रभजोत पाजी मिल गए। किस्मत बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका? बढ़िया। ओ भाई भाई अपना गर्मा गर्म नाश्ता आ गया, पूरी सब्जी, ब्रेड, ऑमलेट और चाय। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। तो अभी हम भैया गोरखपुर शहर में, बहुत ही प्यारा शहर है और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। मतलब खिड़की शायद बंद है, खुलती नहीं है। कल पूरी रात बारिश होती रही, आज सुबह से बारिश ही बारिश हो रही थी, तो इसलिए लेट हो गए। टाइम हो गया अभी एग्जैक्ट 10:30 और मैं थक भी गया था। कल मैंने रात में 3 बजे तक ब्लॉग एडिट किया, ब्लॉग डाला, उसके बाद अपन जो है सो पाए और 8:30 बजे उठना पड़ गया। तो बारिश की वजह से अपन रुके थे, अभी भी बादल बिल्कुल भरे पड़े हैं अगर आप देख रहे हो। सामान मैंने पूरा पैक कर दिया है, एवरीथिंग इज पैक्ड, बस ब्रेकफास्ट करना है और नीचे चलना है और निकलने के आज अपन दिल्ली के लिए। तो कोशिश ही रहेगी कि दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुंच जाए सो दैट कि अपना आराम करें, लेकिन रात हो जानी मेरे को पता है। और वो रूल तो आपको पता ही है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों पे ही ना 6 बजे से पहले अगर आपने एंट्री नहीं मारी शाम में, तो फिर आप सुबह 6 बजे तक बाइक लेकर नहीं जा सकते हो। तो वो भी मेरे को टेंशन है, तो कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। मतलब लखनऊ एक्सप्रेसवे तो पहुंच जाएंगे, बट आगरा वाला कैसे पहुंचेंगे तो देखेंगे। लेट्स सी, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। होटल वाले भैया हमारी फ़ोटो ले रहे हैं। होटल काफ़ी अच्छा है ये, उमा पैलेस। अगर किसी को रुकना है गोरखपुर में, स्टे करना है, तो आप रुक सकते हो। बाय बाय। तो एग्जैक्ट कितने बजे? 11:15 बजे अपन छोड़ते हैं गोरखपुर। और दिल्ली का रास्ता भाई 13 घंटे का है गुड़गांव का, तो अपने को टाइम तो काफ़ी लगने वाला है। और आज दिल्ली पहुँचना भी भैया चाहे रात हो जाए, और सबसे बड़ी बात एक्सप्रेस वे पहुँचना है टाइम से, नहीं तो फिर घुस नहीं पाएंगे, फिर पुरानी रोड से जाना पड़ेगा। काफ़ी ह्यूमिड है, बादल तो भाई ऐसे हैं जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। और बता भाई लोग क्या हालचाल, मौज चल रही कि नहीं चल रही है? अपनी तो फुल मौज चल रही है भाई। प्यारा शहर गोरखपुर अपन क्रॉस करते हुए। बेंगलुरु जा रहे हैं क्या भैया? आज तो यहीं रुके थे गोरखपुर में ही, गोरखपुर में ही रुके थे आज तो। अच्छा, नेपाल से आ रहे। चलो भैया गोरखपुर शहर क्रॉस करते हैं। आज तो भैया हर शहर में फंसते हुए जाएंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे निकले ना 11:20, पूरा ट्रैफिक फैल रखा होगा चारों तरफ। जैकेट पहनते ही जो पीठ में खुजली हो रही ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है सड़क किनारे खड़े होके ना किसी पोल पे अपनी पीठ रगड़ ले अच्छे से। थोड़ा सा हाईवे मिला, मजे आए। और आपको आज के सफर का बताता हूँ, अपना घर जो है गुड़गांव वो है यहाँ से 817 यानी कि 820 किलोमीटर के आसपास हमें आज टोटल सफर करना है, और एक्चुअल में उससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा। 12 घंटे 50 मिनट अपने को लगने वाले हैं, मेहनत लगेगी मतलब आज जाने में। अपन चार्ज हैं, बाइक पे बैठते ही अपन फुली रिचार्ज हो जाते हैं। रोड्स अच्छे हैं आसपास के, गोरखपुर के आसपास के, इंडिया में मतलब रोड सब अच्छे ही हैं, मोस्टली ख़राब नहीं है। नाश्ता कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अपन रेडी हैं। अब कम से कम 100-150-200 किलोमीटर खींचते हैं। पानी का ब्रेक लेंगे बस, और कोई ब्रेक नहीं लेंगे, और सुसु ब्रेक वो ब्रेक भी तो लेना बनता है। मौसम अच्छा अच्छा है, 32 डिग्री टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक पे अगर जाएं तो ज़्यादा होगा। बाकी मज़ा आया यार नेपाल राइड में, और आपके पोर्ट को देख के मेरे को पता चल रहा है, आपके कमेंट्स को देख के जो ब्लॉग्स हैं, कि आपको भी काफ़ी पसंद आया, थैंक यू उसके लिए। लखनऊ इज़ 267 एंड वाराणसी इज़ 233। मेरा सबसे बड़ा जो टेंशन है वो लखनऊ है यार, लखनऊ पूरा क्रॉस करना पड़ता है तो वो ना दिक्कत हो जाती है। ओह मैन व्हाट अ व्यू, अरे विंडशील्ड ऊपर करते हैं, बहुत तेज हवा लग रही है। जब अपन आ रहे थे नेपाल के लिए, तब अपन ने ये सब रास्ते ना रात में क्रॉस किए थे, बिल्कुल शांत साइलेंट, एक गाड़ी भी नहीं, जैसे मानो आराम से निकल जाओ। इसलिए मेरे को रात में राइडिंग करना थोड़ा सा पसंद है। रिस्क विस्क तो अपनी जगह है, बट सुकून बहुत है यार। अभी देखो पूरा रोड में लोग, गाड़ियाँ टूटे पड़े हैं, मज़ा ऐसा ना आता फिर। तो अभी हम गोरखपुर लखनऊ रोड पर ही चल रहे हैं। चल चल चलो, थैंक यू। चलते चलते सब्सक्राइब करवा रहा हूँ मैं लोगों से। ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी करते रहना यार, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट भर भर के बिल्कुल ठोक डालो। Passing by, life is good, best I've ever felt.
बचपन में यार मैं भी ऐसे ट्रैक्टर में बहुत घूमा करता था। हेलो, मजा आता भाई ट्रैक्टर में, बहुत मजा आता है खेतों में घूमो जब आपका बचपन में, मतलब ये तो होता है आप लोग भी इसका फन करते होगे अलग अलग तरीके के, पता नहीं वो मजा, वो जो आनंद आता था ना फन, वो अब आता नहीं है। मतलब अब कुछ भी कर लो आप उतनी खुशी नहीं मिलती जो बचपन में छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाया करती थी। मतलब कभी बैट आ गया नया उस पर इतना खुश हो गए, कभी खोई हुई गेंद मिल गई उस पर इतना खुश हो गए वो भी दिन होते थे यार। इंसान का बचपन उसका सबसे अच्छा पार्ट होता और वो उसको बचपन में ही पता नहीं होता ये देखो अब घाघरा रिवर भाई साहब कितनी बड़ी हो रखी है। इस समय टोल से पहले एक ढाबा देख रहे हैं, चंचल ढाबा, इसी में रुक लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, निकलते हैं रास्ते में, समोसा रखते हैं। चाय मिल जाएगी, एक चाय बना दो कम चीनी की, और समोसा कितने का है? क्या दे दो, दो समोसे दे दो। हाँ चटनी डालो, बढ़िया, थैंक यू। हाय हाय हाय, क्या टेस्टी चटनी लग रही देखने में, मजा आ जाएगा भैया। यूपी आए समोसा ना खाए तो क्या यूपी आए थोड़ा सा बाइक साफ कर लेते हैं, विंडशील्ड में काफ़ी डेड बॉडीज चिपकी हुई हैं भाई। यहाँ ऐसी सड़ी गर्मी है ना कि मेरे जो रैसेस हैं ना पूरे चुभ रहे हैं। अब तो अपन लखनऊ तक क्या करेंगे, ट्रैफिक ना बहुत स्लो स्लो है, कहीं रुक रहे हैं कहीं चल रहा है, तो वहाँ तक जैकेट अभी नहीं पहनेंगे भाई, नहीं चला जा रहा। एक्सेसिव जो गर्म नहीं होता भपका जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एनीवेज अपना समोसा खाते हैं यार, देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गदर समोसा बनाया आपको, खुद ही बढ़िया मज़ा आ गया, चटनी तो क्या खानदार खतरनाक है। कितने का एवरेज है? कितने का एवरेज है? एवरेज है इसका 20 का, सही अंदाजा लगाया। आगे देखने का, आगे देखने। हेलो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? केआरसी पब्लिक स्कूल। चलो छुट्टी हो गई, बढ़िया। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रतीक। चलो बाय 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 बाय। बच्चे भी खुश हो जाओ मैं बाइक देख के। तो मैंने सोचा एक्सप्रेस वे पर तो जैकेट पहनना जरूरी है यार, राइडिंग जैकेट, तो अभी थोड़ी देर बिना राइडिंग जैकेट के चलाते हैं, नहीं तो चल नहीं पाएगा काम। इतना ज़्यादा इरिटेशन और इचिंग होने लगती है ना कि दिक्कत हो जाएगी। 100 किलोमीटर रह गया लखनऊ। आवाज़ अपनी नेपाल लाइट ख़त्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद अपन बाइक ठीक कराएंगे, मतलब वो जो लाइट है उसको चेंज कराएंगे, उसको ना इस पर लगवा लेंगे, हो सकता है वो फ्रेम दोबारा ठीक करा के लगाने में टाइम लगे, तो लाइट ठीक कराएंगे और उसके बाद अपन तुरंत करेंगे अपना Q&A सेशन, और Q&A के बाद अपन करेंगे अपना सब्सक्राइबर मीटअप। तो मैं बस बारिश का थोड़ा सा वेट कर रहा था, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि बारिश थोड़ी कम हो जाए उसके बाद अपन रखते हैं सारा कुछ, बस वो टाइम बस आने वाला है। तो बी रेडी, क्वेश्चंस मेरे पास सारे हैं जो आपने पूछे थे उस ब्लॉग में, तो वो तो मैं सारे जवाब दूंगा। बीच बीच में ऐसे बहुत ही बढ़िया खाली पैच मिल जाते हैं, तब मज़ा आती है बाइक चलाने। तो अपन बस लखनऊ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और आई डोंट नो कि ये बाईपास ये रोड जो है ये आगरा इटावा रोड है, तो अभी लखनऊ साइड में है। अब ये नहीं पता कि मैं लखनऊ होते हुए निकलूँगा या लखनऊ के बाहर से निकलूँगा, दिस आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली अंदर होते ही चलेंगे। भैया तैयार हो जाइए ट्रैफिक झेलने के लिए, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ चलो भाई पेट्रोल पम्प दिख गया, तो पेट्रोल भरवा लेते हैं भैया, टंका फुल कर दो इसका, भरते जाओ भरते जाओ। 1433.40 रुपये। लखनऊ शहर में हमारा मस्त स्वागत हुआ है बारिश के साथ, बट बारिश आने से अच्छा ये हुआ कि जो गर्मी थी वो अचानक से थोड़ी कम हो गई है, माहौल थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है। बाकी आप लोग बताओ मौज चल रही है कि नहीं चल रही, मौजे मौजे चलते रहने से भी मौजे मौजा, बस इसी का डर था लखनऊ में और वही हो रहा है। देखो ये थोड़ी सी जगह मिल जाए अपन कल्टी, ये देखो लखनऊ का हाई कोर्ट। अब आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट तो इलाहाबाद में, तो ये ना लखनऊ में उसकी एक बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो बहुत बड़ा है यार, जब ये उसकी बेंच इतनी बड़ी है तो सोचो इलाहाबाद हाई कोर्ट कितना बड़ा होगा काफ़ी बड़ा है भाई। देखो अपनी हाइनेस मिल गई हमको लखनऊ में यार कोई बात नहीं, और बढ़िया सब ठीक ठाक, चलो बढ़िया, थैंक्स यार सब्सक्राइब कर। अरे सेम यार, सेम यार ब्रो, चलो। आप अकेले गए थे? मैं अकेला था, अकेला था। विनय, विनय नहीं वो नहीं था इस बार, मैं अकेला गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो ओके थैंक यू भाई, अपने हाइनेस वाले भाई मिल गए यहाँ पे फाइनली। भाई 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद अपन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। ओ भाई सुकून मिला, मैं कहीं रुका ही नहीं यार, मेरे को रुकना था, थक गया यार लखनऊ क्रॉस करते करते। और बगल में कोई नहर सी चल रही है, पता नहीं क्या है। 300 किलोमीटर होने वाले हैं, 295, मज़ा आ रहा है। दिन का 4 बज गया है शाम का, और गर्मी अच्छी खासी है। ये देखो नहर से वो साफ़ करने वाली मशीन है जो कूड़ा साफ़ करती है, वो सही यार बस चल रही है। दिखाऊँ आपको JCB की खुदाई, नहीं कुछ नया दिखाते हैं आपको, ये देखो वो सही टेक्नोलॉजी है, देखो पूरा पानी साफ कर रही है, ये तो तैर रही है यार कसम से।
ओ बढ़िया यार, ये सही चीज़ है। मैंने पहली बार लाइव चलते हुए देखी, फोटो में तो देखी है। एक आध कोई ढाबा वाबा मिल जाए तो यार अपन बैठ के, वो यहाँ देखो बिल्कुल साफ है, बढ़िया लग रहा है। लो जी अपन चढ़ गए। ओके नो इश्यूज नो इश्यूज। ओके आर यू साइबर जी? ओह नाइस, इट मीन्स जेट भाई इज ऑल्सो कमिंग। हेलो नाइस टू मीट यू मैम। सो ही इज कमिंग, कैन आई वेट फॉर हिम? थैंक यू। अरे जेट भाजी, हेलो सर। क्या बात है, किस्मत देखो भाई, जेट प्रभजोत भाजी मिल गए। भाजी बहुत व्लॉग्स देखे आपके, किस्मत बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका? बढ़िया, अच्छे सही चल रही है। मैं अभी नेपाल से आया हूँ, मेरा भी एक चैनल है दीप रंजन सचान नाम से। हाँ जी और सब बढ़िया? सब बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ गुड़गांव। चलो चलो ओके। क्या बात, मतलब आप किस्मत देखो, जट प्रभजोत पाजी से मुलाकात हो गई। बट उनके पास तो भाई निंजा H2 है, ही विल राइड फास्ट। ओ भाई क्या बात है, जट पाजी की पूरी टीम जा रही है अभी तो फिलहाल। मजा आ गया यार, ये होती है मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगे। मैं अब राइडिंग जैकेट पहन लेता हूँ अपनी। ओ भाई क्या बात है यार, मतलब अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिल जाते हैं, खुशी हुई मिलके। मैंने उनको बताया मेरा भी एक चैनल है, इस साइड को सर्च करेंगे। कहाँ तक आवाज़ आ रही है उनके उसकी। तो फाइनली अपन एंट्री मार चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, और जेट पाजी तो भाई रॉकेट की तरह उड़ गए आगे हम लोग पीछे रह गए। मेरे को राइडिंग जैकेट पहननी थी यार, जरूरी है, एक्सप्रेस वे पे जैकेट के बिना नहीं चलाना चाहिए। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। चलो फिर अपन निकलते हैं। लो जी भैया टोल कटा लेते हैं दिल्ली का। भैया आगरा तक का कितना है? 330। हर बार पूछता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ। चलो भगाते हैं थोड़ी देर, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद जो है, अब तो एनर्जी आ गई भैया। As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky, I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found. ओ भाई आगे खाने पीने का कुछ आ रहा है यार, अब रुकते हैं। लास्ट तब रुके थे जब समोसा खाया था, तब से अपन 200 किलोमीटर बाइक पूरी पूरी चला चुके हैं और ब्रेक नहीं लिया अपन ने, और उसमें पूरा लखनऊ भी क्रॉस किया था। थोड़ा एक्सट्रीम हो गया ये वाला राउंड, तो अपन रुक के थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद अपने आप को रिचार्ज करके तब निकलेंगे। बाइक जितना पास हो सकती है उतना पास खड़ी कर लेंगे, सो दैट कि दिखता रहे। सारा सामान निकालना बहुत जरूरी भाई बाइक से, नहीं कोई टपा लेगा, क्योंकि अंदर चलेंगे ना अपन। एनीवेज मजा आ गया, जट प्रभजोत पाजी से मिल लिया, और क्या चाहिए, मतलब मजा आया मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसे मुलाकात होगी, बट यार देखो किस्मत की बात है। एनीवेज चलते हैं अपन कुछ खाते पीते हैं, बहुत तेज भूख लगी यार। सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया था, तब से सिर्फ 2 समोसे खाए अपन ने। हालांकि मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है ये फूड कोर्ट, बट मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं, तो जो मिल रहा है वही खा लेंगे। क्या खाएगा? साउथ पैंट्री, मसाला गली, कप्पा कैफे, शर्ट कंपनी, समझ ही नहीं आ रहा क्या खाएं। तो इस आउटलेट में सबसे लाइट और हल्का यही मिलता है, मसाला डोसा, अपन यही खाते हैं भाई। खाना खा लिया और इन घमोरियों ने तो मेरे को परेशान कर रखा है। व्लॉग में थोड़ी अश्लीलता फैल जाएगी, नहीं तो दिखाता आपको मैं खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ गुड़गांव। मैं भी दिल्ली रहता हूँ, आप गुड़गांव? हाँ जी, हाँ जी गुड़गांव रहता हूँ।
अच्छा हाँ हाँ गुड़गांव का है नंबर। चलो सर घूमने आए थे। हाँ मैं नेपाल गया था घूमने तो वहाँ से वापस आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी इसी से। बढ़िया है बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो सर थैंक यू थैंक यू बाय बाय। चलो भाई निकलते हैं। अभी मैंने मैप नहीं निकाला लगाया और इसका कवर भी लगाना भूल गया जीपीएस का, क्योंकि अभी तो सीधा रास्ता है बहुत देर तक यार कुछ है ही नहीं भाई साहब। चलते जाओ जी चलते जाओ, पेट्रोल अभी भराने की जरूरत है नहीं। भगाते हैं अपन। देखो आखिरी दिन सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है सबसे बड़ा, और वो ये होता है कि अपन घर पहुँचने वाले हैं और कुछ नहीं। तो आज अपन घर पहुँचेंगे और फुल इंजॉय करेंगे फिर। तो भाई मौसम तो काफ़ी खुला है यहाँ। अब कल पूरी रात गोरखपुर में बारिश हुई और यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं है, सूखा पड़ा धूप निकली। इसका मतलब दिल्ली और NCR में पूरी गर्मी फैल रखी है। सही है कोई दिक्कत नहीं। तो 100 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है अपन ने और बिल्कुल सुकून से चले जा रहे हैं। शाम होने वाली, सनसेट धीरे धीरे हो रहा है और क्या मज़े आ रहे हैं सही बता रहे हैं। एक्सप्रेस वे का ये फ़ायदा है आप अपना आराम से एक स्पीड सेट कर लो तो उसके बाद चले जाओ जो करना हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। और अपने 400 किलोमीटर इसी बात पे पूरे हो गए शाम में 6 बजे एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया। अभी कितना रह गया? अरे मैप तो लगाया ही नहीं, अभी रह गया इतना ही और रह गया, 416 रह गया। एक ब्रेक लेके मैप लगा लिया और ये Insta360 खोल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। बढ़िया सनसेट हो रहा है, मस्त सा जिसको बोलते हैं। लो भाई लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल आ गया और ये देखो वाइजर में ऐसे कीड़े चिपके हैं ना, हाय 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 खतरनाक। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। थैंक यू, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। तो यार 5:30 बजे जब अपन ने लंच किया था ना, डोसा खाया था, उसके बाद से 8:15 हो गया, कंटिन्यूस चला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खींच दी है बाइक और पूरे देखो कीड़े चिपक गए। तो अब मैं सोच रहा हूँ आगे ब्रेक लूँ क्योंकि फ्यूल भी नहीं है और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। तो यार यहाँ पेट्रोल स्टेशन तो नहीं है लेकिन खाने पीने का कुछ है तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, पेट्रोल बाद में भरा लेंगे। काफ़ी ज़्यादा थक गया यार आज मैं। कैन यू सी कितने कीड़े चिपके हैं? ये तो मैंने अभी साफ कर दिया, अब आपको इस पे दिखाते हैं। ये देखो ऐसे कीड़े चिपकते हैं यार कि साफ करने में डर लग रहा है मेरे को पूरा। भयंकर। तो अभी क्या अपन ने एक बर्गर ऑर्डर कर दिया है और चाय ले ली है। तो बर्गर खाते हैं, चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। 50 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो 50 किलोमीटर बाद पेट्रोल भरा लेंगे और ये सब जो है टेना वगैरह चार्जिंग में लगा दिया है। खाते हैं, शोर बहुत करते हैं यहाँ पे लोग। पेट्रोल टाइम, पेट्रोल टाइम नॉर्मल नॉर्मल चाहिए। लो भाई अपना आखिरी काम भी हो गया जो कि था पेट्रोल। पेट्रोल अपनी बाइक में भर गया, भरते ही 17 लीटर पेट्रोल आ गया, 18 लीटर बाइक हैवी हो गई। अब यार चलते हैं नॉन स्टॉप सीधा घर पहुंचते हैं। कल मैं सोया नहीं, उस वजह से आज ना मेरे को थकान फील हो रही है यार, सीरियसली स्पीक। जनरली कमी होती है बट आज हो रही है, अभी भी 2.5 घंटा दिखा रहा है यार। तो लो यार एक सफ़र अपना और पूरा हो गया और ये इंटरनेशनल सफ़र आ गए अपन वापस गुड़गांव में। सुबह जब निकले थे गोरखपुर से तब दिखा रहा था कि आप 11:30 बजे पहुंचोगे और 11:48 पे अपन घर पहुंच जाएंगे, गुड़गांव तो अपन पहुंच ही गए हैं। तो अच्छा रहा सफ़र यार, बस थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाए, एक दो जगह रह गई, अपना मस्टैंग पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा छूट गया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरे को अंदाज़ा था कहीं ना कहीं की दिक्कत हो सकती है, बट कोई ना, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम। तो हम अगली बार और अच्छे से करेंगे और बढ़िया घूम के आएंगे और तब जाएंगे जब सीजन का कोई टेंशन ही ना हो। अक्टूबर नवंबर में जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठंड भी रहता है, बढ़िया मज़ा आता है। तो आई होप आपको नेपाल सीरीज़ के ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे।
बाकी आप लोगों के कमेंट्स देख के पता तो चल ही रहा है कि मज़ा आया, आप लोगों को अच्छे लगे, और बस इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहो यार, हर वीडियो पे खूब सारे लाइक्स कमेंट और शेयर करते रहो, सो दैट अपने चैनल की रीच बढ़े और मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा, सो दैट कि अपन और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे किसी नई सीरीज़ में, किसी नई जगह अपन चलेंगे, इन्जॉय करेंगे और अब शायद ग्रुप में चलेंगे। तो ठीक है फिर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंजॉय।